चंद्रा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महमूद हसन। आज का जो हमने टॉपिक लिया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम या परिवहन तंत्र का, और उसमें परिवहन तंत्र में हमने लिया हुआ है ह्यूमन हार्ट या मानव हृदय। कहने का मतलब है कि आज के टॉपिक में हम जो है मानव हृदय के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर मानव हृदय की बात की जाए तो हृदय के रिस्पेक्ट में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, उस पर चलते हैं। हृदय को जो है शरीर का पंपिंग अंग कहते हैं, पंपिंग आर्गन कहते हैं। हार्ट इज कॉल्ड एज पंपिंग आर्गन। पंपिंग आर्गन इसलिए कहते हैं, शरीर में जितना ब्लड होता है, जितना खून होता है, ये सब जो है एक मिनट में खींच करके पूरे शरीर के अंगों को पंप कर देता है। इसीलिए क्या कहते हैं, पंपिंग। जैसे ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल को जो हम चलाते हैं तो जमीन से ये पानी खींचता है, खींच करके फिर से जो है अर्थ सरफेस पे पंप कर देता है, भेज देता है। ठीक उसी तरीके से हृदय कार्य करता है। शरीर में जितना ब्लड होता है, ब्लड को ये खींचता है, खींच करके फिर से शरीर के अंग को पंप कर देता है। इसीलिए जो है हृदय को पंपिंग आर्गन या पंपिंग अंग की संज्ञा दी गई है। एक मिनट में ये जितना पूरा ब्लड होता है ये पूरा खींच करके फिर से शरीर के अंग को पंप कर देता है। फिर नेक्स्ट इसकी जो दूसरी जो है टर्मिनोलॉजी हमने यूज किया इसमें, बिजिएस्ट आर्गन। ये शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग है। हृदय जो होता है ये शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कहलाता है। अगर हम इसके शेप या इसके आकार की अगर हम बात करते हैं तो हृदय का शेप या जो आकार होता है ये त्रिकोणीय आकृति का होता है। मतलब ये क्लोज हैंड लाइक स्ट्रक्चर है, बंद मुट्ठी के समान। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हृदय का शेप कैसे होता है, हृदय का आकार कैसे होता है। तो हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान है, ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा होता है और जैसे जैसे हम नीचे चले आते हैं वो सकरा होता है, त्रिकोणीय आकार का होता चला जाता है। कहने का मतलब है जब भी स्ट्रक्चर में आए शेप कैसे दिखता है तो क्लोज हैंड लाइक स्ट्रक्चर, बंद मुट्ठी के समान। अब हृदय के अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो हृदय का जो लोकेशन है, हृदय की जो लोकेशन है दोनों फेफड़ों के बीच हल्का सा ये बाएं साइड में स्थित होता है। तो हार्ट जो हृदय होता है मानव के वक्ष भाग में, थोरैसिक कैविटी में, ये जो वक्ष भाग है इस थोरैसिक कैविटी में दो फेफड़े हैं, दोनों फेफड़ों के बीच जो है हल्का सा ये बाएं साइड में स्थित होता है, बाएं फेफड़े के साइड में स्थित होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग स्लाइटली लेफ्ट साइड इन द थोरैसिक कैविटी। मानव का हृदय दोनों फेफड़ों के बीच हल्का सा बाएं स्थित होता है, और किस कैविटी या किस गुहा में स्थित होता है तो वक्ष भाग में ये स्थित होता है। अगर हम हृदय की बात करते हैं तो हृदय में जो मसल्स पाई जाती हैं, हृदय एक पेशी संरचना है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की हड्डी हृदय में नहीं पाई जाती है। और हृदय की पेशियों को हम नाम दे देते हैं क्या, कार्डियक मसल। और इन्हीं कार्डियक मसल के अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को हम नाम दे देते हैं कार्डियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ कार्डियक मसल या स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी। कार्डिया जहाँ पे वर्ड आ जाए समझ लीजिए जो है हृदय से संबंधित है। हृदय की पेशियों को हम नाम दे देते हैं कार्डियक मसल। इसमें थकान का अनुभव नहीं होता है, ये बिना थके जो है जीवन पर्यंत कार्य करती है। पूछ लिया जाता है किस प्रकार की पेशी में थकान का अनुभव नहीं होता है, तो वो कार्डियक मसल है। अगर हम कार्डियक मसल की बात करते हैं, ये तीन लेयर से ये मिलकर के बनी होती है। सबसे बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं एपिकार्डियम, उसके बाद जो है बीच वाली लेयर को कहते हैं मायोकार्डियम, और अंदर वाले जोन अंदर वाले लेयर को हम कहते हैं इंडोकार्डियम। तो कार्डियक मसल तीन लेयर से बनी है, बाहर वाली लेयर एपिकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम और अंदर वाली इंडोकार्डियम ये कहलाती है। फिर हृदय के चारों ओर, हृदय के चारों ओर दोहरी झिल्ली का सुरक्षात्मक आवरण होता है, और उस जो है झिल्ली को हम नाम दे देते हैं पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है जो कि हृदय को चारों ओर से कवर्ड किए रहती है, घेरे रहती है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है। जबकि जो हार्ट की मसल्स हैं उनके जो लेयर्स होते हैं, बाहर वाला एपिकार्डियम, बीच वाला मायोकार्डियम, सबसे अंदर वाला वो क्या होता है, इंडोकार्डियम होता है। तो हृदय जो होता है ये बाहर से बंद मुट्ठी के समान दिखता है, लेकिन जब हम इसकी आंतरिक संरचना की बात करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो ये अंदर से खोखला होता है। और जब अंदर से ये खोखला होता है तो इसमें चार चैम्बर होते हैं, चार कोष्ठक होते हैं। अगर हम चैम्बर की बात करते हैं तो संसार में जितने भी स्तनधारी वर्ग के प्राणी होते हैं सबके हृदय में कोष्ठकों की संख्या क्या होती है, चार होती है। मानव भी स्तनधारी वर्ग का प्राणी है तो मानव के भी हृदय में जो है कोष्ठकों की संख्या कितनी होगी, चार होगी। कहने का मतलब है
फोर चैम्बर्ड हर्ट इज फाउंड इन केस ऑफ ह्यूमन बींग और इन केस ऑफ मेमेलिया, स्तनधारी वर्ग अर्थात मानव में जो है हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, चार होती है। अभी हमने बताया हृदय अंदर से खोखला है, चार कोष्ठक हैं, ऊपर के दो कोष्ठक को अलिंद कहते हैं, ऑरिकिल कहते हैं, और नीचे के दो कोष्ठक को हम जो है वेंट्रिकल या निलय कहते हैं। जब भी हम बायो में डायग्राम देते हैं वेंट्रल सरफेस का डायग्राम देते हैं, मतलब जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो पेट वाला हिस्सा आपके सामने, पीठ वाला हिस्सा क्या है, पीछे है। तो पोजीशन अगर डायरेक्शन की लेते हैं, दिशा लेते हैं, तो इधर की दिशा ये जो होती है ये कहलाएगी क्या, राइट, और इधर की साइड की दिशा वो क्या कहलाती है, लेफ्ट कहलाती है। तो इधर के चैम्बर जो रहेंगे हृदय के वो राइट चैम्बर रहेंगे और इधर वाले क्या रहेंगे, लेफ्ट चैम्बर रहेंगे। यहाँ पे हमने एक हृदय का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना बनाया हुआ है। आंतरिक संरचना में हमने ये चार जो होते हैं कोष्ठक दिखाया हुआ है, एक दो तीन चार, ये जो चार कोष्ठक दिख रहे हैं ऊपर के दो कोष्ठक अलिंद कहलाए और नीचे के ये दो कोष्ठक ये क्या कहलाए, नीलय कहलाए। इधर की साइड में ये चैम्बर है तो ये राइट ऑरकिल है, दाया अलिंद है। फिर ये चैम्बर ये लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑरकिल है, बायां अलिंद है। इसी तरीके से नीचे का ये वाला ये कहलाया जो है राइट वेंट्रिकल, दायां नीलय कहलाया। इसी तरीके से ये क्या कहलाया, ये कहलाया जो है बायां नीलय कहलाया। तो चार चैम्बर का बना है, अलिंद और नीलय, ऊपर के दो अलिंद और नीचे के नीलय, दाहिने साइड का दाहिना अलिंद, बाएं साइड का बाएं अलिंद, दाहिने साइड का दायां नीलय और बाएं साइड का बायां नीलय। ये चार चैम्बर हमने दिखाया आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद वॉल से क्वेश्चन पूछता है, कपाट से पूछता है, तो ये जो दाहिना अलिंद है और ये जो दाहिना नीलय है, राइट आर्किल और जो है राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में एक वॉल्व पाया जाता है, एक कपाट पाया जाता है। इस वॉल्व या कपाट को हम नाम दे देते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, या इसको हम कहते हैं त्रिवलनी कपाट। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है त्रिवलनी कपाट या ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पाया जाता है, किनके किनके बीच होता है, तो दाहिने अलिंद दाहिने नीलय के बीच जो वॉल्व है उसको हम नाम दे देते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व की हम संज्ञा देते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा प्रमुख वॉल्व है उसको हम नाम दे देते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व को एक और नाम से जाना जाता है, उसको हम कहते हैं मिट्रल वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व इज आल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व को आपको ध्यान में रखना है, बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व। और ये बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ पाया जाएगा, बाएं अलिंद और बाएं नीलय के बीच, दो वॉल्व आपको ध्यान में रखना है। ये जो है ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, दाहिने अलिंद दाहिने नीलय के बीच, और ये जो है ये बाइकस्पिड वॉल्व है या मिट्रल वॉल्व है, बाएं अलिंद और बाएं नीलय के ये बीच है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपको संरचना थोड़ी से ध्यान में रखिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है वो होता है किससे, यस ए नोड से। ये जो दाहिना अलिंद है, इस दाहिना अलिंद में गांठ नुमा संरचना है, नर की गांठ एक समझ तरीके से समझ लीजिए नोड है, तो इसको नाम दे दिया यस ए नोड नाम दे दिया। और एस ए नोड को हृदय का पेस मेकर कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं, यस ए नोड को। एस ए नोड का पूरा नाम क्या है, साइनो ऑरिकुलर नोड नाम होता है, और यही जो है हृदय में धड़कन प्रारंभ करता है। तो धड़कन प्रारंभ करने वाली संरचना या हृदय का पेस मेकर ये कौन है, तो वो कौन है, एस ए नोड है। और एस ए नोड स्थित कहाँ है, दाहिने अलिंद में। इसी से जुड़ा हुआ एक नोड और होता है और इसको हम कहते हैं क्या, एवी नोड या एट्रियो आर्कोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये दाहिना अलिंद और ये दाहिना नीलय है, इन दोनों के बीच में पट्टी जो होती है, जो सेप्टा होती है, जो नोड होता है वो एवी नोड है, जबकि ऐसे नोड जो होता है ये कहाँ पे है, दाहिने अलिंद में। तो आपको दो नोड ध्यान में रखना है, एवी नोड दोनों के पट्टी पे, सेप्टा पे, दोनों अलिंद के पट्टी पे या सेप्टा पे, और ऐसे नोड जो होता है ये जो है दाहिने अलिंद के, दाहिने अलिंद में ये पाई जाने वाली ये क्या है, संरचना है। अब बात हो रही है धड़कन की या बीट की बात हो रही है। तो अभी हमने कहा कि मानव का जो हृदय होता है वो धड़कन करता है, और धड़कन प्रारंभ करने वाली जो संरचना है वो ऐसे नोड है। अगर हम धड़कन की बात करते हैं तो मानव का हृदय ऐसे संकुचित होता है, फैलता है, संकुचित होता है, फैलता है। तो प्रत्येक धड़कन में दो प्रक्रिया होती है, एक को हम कहते हैं सिस्टोल, दूसरे को हम कहेंगे डायस्टोल। जब हृदय संकुचित होता है तो उसको सिस्टोल, और जब हृदय फैलता है तो उसको क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। तो धड़कन में, हार्ट बीट में दो क्रिया होती है, सिस्टोल और डायस्टोल।
तो कभी कभी यही पूछ लेता है सिस्टोल और डायस्टोल की प्रक्रिया किस अंग से संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है। हृदय धड़कन करेगा, संकुचित होएगा सिस्टोल, और जब फैलेगा तो डायस्टोल। जब संकुचित होएगा तो हृदय के विभिन्न कोष्ठक से जो है ब्लड निकलेगा, और जब फैलेगा डायस्टोल की प्रक्रिया होगी तो उसके विभिन्न कोष्ठक में जो है आकर के रक्त क्या करेगा, भरेगा। ठीक है, तो सिस्टोल और डायस्टोल ये प्रक्रिया जो है ये हृदय ये हार्ट बीट है या हृदय की ये धड़कन है। धड़कन के दो चरण हैं, एक को सिस्टोल दूसरे को डायस्टोल, इसमें संकुचन इसमें फैलाव। धड़कन जो होता है प्रति मिनट कितनी होनी चाहिए, तो जो है ये धड़कन जो है 70 से 72 टाइम्स पर मिनट, इसी को हम कहते हैं हार्ट बीट रेट या हृदय स्पंदन दर। ये प्रति मिनट धड़कन की संख्या 70 से 72 होनी चाहिए इन केस ऑफ ह्यूमन बींग एडल्ट की केस में। लेकिन अगर बच्चा है तो बच्चे के केस में धड़कन की संख्या ज़्यादा होती है और 120 बार जो है धड़कन की प्रक्रिया होती है। और जब ओल्ड एज की कंडीशन आ जाती है तो उस समय जो है धड़कन की प्रक्रिया कम हो जाती है, तो ये 72 से घट करके 65 तक के जो है लगभग रेंज में आ जाती है। लेकिन आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए एक सामान्य रूप में धड़कन कितनी बार होता है, तो 70 से 72 बीट पर मिनट, मतलब 70 से 72 धड़कन जो है प्रति मिनट होता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है हृदय के द्वारा, तो अभी हमने बताया कि हृदय जो होता है ये शरीर का पंपिंग अंग है। मतलब ये हुआ कि शरीर में जितना ब्लड है वो खींचेगा और खींच करके फिर से शरीर के अंग को पंप कर देगा। अब हम देखते हैं, अभी हमने कहा कि हृदय जो है ये चार कोष्ठक से बना है, 1, 2, 3, 4, ऊपर का 2 अलिंद और नीचे का क्या है, नील है। हृदय की पोजीशन हमने बताया कि हृदय की पोजीशन कहाँ है, ये वक्ष भाग में और फेफड़े के बीच में हल्का सा बाई साइड में। अब हम देखते हैं शरीर के ऊपरी अंगों का रक्त, ऊपरी अंगों की अगर हम बात करते हैं तो पूरे गर्दन के जो ब्लड हो गए या सर के ब्लड हो गए या भुजाओं के ब्लड हो गए या शोल्डर्स के हो गए या हाथ के हो गए, मतलब हृदय के ऊपर जितने भी अंग हैं उन सब अंगों का रक्त हृदय की ओर कलेक्ट होकर के आता है, और जिस नली के माध्यम से कलेक्ट होकर के आता है ऊपरी अंगों का रक्त उसको कहते हैं एंटीरियर वेना केवा या अग्र महाशिरा। उसी प्रकार निचले अंगों का रक्त, हृदय यहाँ है, हृदय से नीचे जितने अंग है, पेट का रीजन हो गया, कमर का रीजन हो गया, जांघ का रीजन हो गया, नीचे पैर का रीजन हो गया, सब निचले अंगों का रक्त कलेक्ट होकर के खींच करके हृदय की ओर आता है, और जिस नली के माध्यम से आता है उसको कहते हैं पोस्टीरियर वेना केवा या जो है पश्च महाशिरा। कहने का सेंस ये हुआ कि ऊपरी अंगों का रक्त अग्र महाशिरा और निचले अंगों का रक्त पश्च महाशिरा के माध्यम से ये कलेक्ट होकर के आया, और हृदय के जिस कोष्ठक में आकर के धीरे धीरे भरता है उस कोष्ठक का नाम क्या है, उस कोष्ठक का नाम है दाहिना अलिंद। क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है शरीर के अंगों से रक्त कलेक्ट होकर के सबसे पहले हृदय के किस कोष्ठक में आता है, तो किस में आता है, वो आता है दाहिने अलिंद में। अब क्या हुआ, जब दाहिना अलिंद भर जाता है तो इसमें संकुचन होता है, सिस्टोल होता है। जब सिस्टोल होता है तो ये वॉल खुल जाता है ट्राइकस्पिड वॉल, और जब ये वॉल खुल गया तो इसमें से ये ब्लड चलाया किसमें, दाहिने नीलय में चलाया। अब जब दाहिने नीलय में ये जब आकर के भर जाता है ये फैलता चला जाता है, जब भर जाता है इसमें संकुचन होता है, जब इसमें संकुचन होता है तो इसमें से ब्लड ये निकल करके चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्च के माध्यम से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। अब पल्मोनरी आर्टरी को हम फुफ्फुस धमनी भी कहते हैं, कहने का मतलब ये रिलेटेड या जुड़ी किससे होती है, फेफड़े से जुड़ी होती है। तो अब यहाँ से मतलब जो है ये राइट वेंट्रिकल से या जो है दाहिने नीलय भाग से ये रक्त जो है पल्मोनरी धमनी के माध्यम से ये जाता है फेफड़े में, और जब फेफड़े में रक्त जाता है तो वहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसीय विनिमय होता है। अभी तक शरीर के अंगों से जो ब्लड कलेक्ट होकर के निचले अंगों का रक्त पश्च महाशिरा, ऊपरी अंगों का रक्त अग्र महाशिरा के माध्यम से कलेक्ट होकर के दाहिने अलिंद और दाहिने नीलय में अभी जो ब्लड आया हुआ था वो ब्लड होता है वो था जो है डीऑक्सीजनेटेड था, मतलब ऐसे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परसेंटेज क्या था, वो ज़्यादा था, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा थी। अब जैसे ही दाहिने से ये ब्लड होते हुए पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जब फेफड़े में जाता है, फेफड़े में रक्त जब पहुंचता है वहाँ पे गैसीय विनिमय होता है, गैसीय विनिमय होता है, कहने का मतलब ये हो गैसीय एक्सचेंज का सेंस ये हुआ कि यहाँ से फेफड़े में जो है ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में दे दी जाएगी, और व्यक्ति जब सांस लेता है तो वायुमंडल जो ऑक्सीजन फेफड़े में आती है तो बदले में ब्लड जो है ऑक्सीजन ले लेता है। तो अब जो है ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया,
डी ऑक्सीजनेटेड जो फेफड़े में पहुंचा हृदय के दाहिने भाग से, वो फेफड़े में पहुंच करके वो कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, मतलब उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या हो गया, बढ़ गया। इस तरीके से अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कलेक्ट हो करके फेफड़े के माध्यम से फिर से ये कलेक्ट किया जाता है, और जिस नली के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है उस नली का नाम क्या है, पल्मोनरी वेन है या पल्मोनरी सिरा है या फुफ्फुस सिरा है। अब फुफ्फुस सिरा से शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आता है कहाँ पे, लेफ्ट ऑर्किल में आता है, बाएं अलिन में आता है। फिर जब बाएं अलिन भर जाता है तो इसमें संकुचन होता है, ये ट्राई ये बाइकस्पिड वाल्व ये खुलता है, जब ये बाइकस्पिड वाल्व खुलता है तो ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यह आ जाएगा बाएं नीले भाग में आ जाता है। जब बाएं नीले भाग में भर जाता है फिर इसमें संकुचन होता है, जब इसमें संकुचन हुआ तो ये ब्लड पहुंचता है आर्टा, आर्टा को हम कहते हैं महाधमनी कहते हैं, और इस महाधमनी के माध्यम से रक्त जो होता है वो पंप कर दिया जाता है, और ये पंप होकर के बॉडी ऑर्गन शरीर के अंगों को पंप किया जाएगा। क्वेश्चन ये पूछता है कि शरीर के अंगों से रक्त कलेक्ट होकर के सबसे पहले किस चैम्बर में आता है, वो चैम्बर है राइट ऑर्किल, और शरीर के अंगों से रक्त जो था वो पंप हो करके शरीर के ये हृदय से रक्त पंप हो करके शरीर के अंगों में जिसके माध्यम से भेजा जाता है, जो चैम्बर जो होता है उस चैम्बर का नाम क्या है, बाया नीला है, और जिस नली के द्वारा भेजा जाता है पंप किया जाता है उसको हम नाम दे देते हैं आर्टा। तो इस चैम्बर से पंप किया जाएगा, भेजा जाएगा आगे, और इस चैम्बर में क्या होगा वो कलेक्ट होकर के आएगा, ठीक है। तो ये जो महाधमनी या आर्टा ये कनेक्ट किससे होती है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होती है। अब जब शरीर के अंग में रक्त भेज दिया गया तो कोशिका में जब ये पहुंचा, शरीर के अंग जो होते हैं वो कोशिका से मिलकर के बने हैं, तो ब्लड में होता क्या है कि अब जो ऑक्सीजन होती है कोशिकीय श्वसन होता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज कर ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड में मिक्सअप हो जाती है, और फिर ब्लड कैसा हो जाता है, डी ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर इस तरीके से बॉडी ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो शरीर के जितने अंग हैं चाहे वो ऊपर के अंग हों चाहे फिर निचले अंग हों, फिर से रक्त कलेक्ट होता है, और जब रक्त कलेक्ट होता है तो निचले अंगों का रक्त कलेक्ट हुआ किसके माध्यम से, पोस्टीरियर वेना केवा, और ऊपरी अंगों का रक्त कलेक्ट हुआ किसके माध्यम से, एंटीरियर वेना केवा के माध्यम से। और ये जो ब्लड फिर से कलेक्ट होकर के हृदय की ओर जा रहा है वो ब्लड कैसा है, वो ब्लड है डी ऑक्सीजिनेटेड है, मतलब इसमें जो है कि इसकी मात्रा ज़्यादा है, तो इसमें जो है CO2 इज मोर है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो क्या है इसमें ज़्यादा है, जो कलेक्ट होकर के हृदय की ओर आता है उसमें CO2 है। फिर दाहिने से ये जो ये ब्लड जो जा रहा है इसमें भी क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन जब फेफड़े में पहुंचा, फेफड़े में जो है ऑक्सीजनेटेड हो गया, वहाँ गैसीय विनिमय हो गया, गैसों की अदला बदली हो गई, फिर बाएं हिस्से में जो रक्त बहता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और जब ऑक्सीजनेटेड होता है तो यहाँ से जब पंप कर दिया जाएगा शरीर के अंगों में वो पूरा का पूरा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ही जाता है। तो दो नली पूछता है एग्जाम में, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी शिरा में कैसा रक्त बहता है, तो ऑक्सीजनेटेड, मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा वो ज़्यादा होती है। इसी तरीके से पल्मोनरी आर्टेरी, ये पल्मोनरी शिरा में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब इसमें शुद्ध रक्त बह रहा है, और पल्मोनरी धमनी की अगर हम बात करते हैं ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कहने का मतलब इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। एक नॉर्मल हमने रास्ता बताया, शरीर के अंग से रक्त कलेक्ट होकर के दाहिने भाग में, दाएं से फेफड़े में, और फेफड़े से बाएं भाग में, फिर बाएं से फिर शरीर के अंग में पंप कर दिया गया। इस तरीके से हमने देखा कि शरीर के अंग से जब रक्त कलेक्ट हुआ, एक बार जब अंग से रक्त कलेक्ट हुआ तो एक बार हृदय के दाहिने भाग से निकला, फिर उसके बाद गया फेफड़े, फिर बाएं भाग से फिर अंग में भेजा गया। तो किसी अंग में फिर से भेजने, कलेक्ट होकर के फिर से भेजने के लिए हृदय से दो बार होकर के रक्त गुजरा, एक बार दाहिने हिस्से से, एक बार बाएं हिस्से से। इस प्रकार के परिवहन तंत्र को हम कहते हैं डबल टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम या दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। तो मानव के केस में या स्तनधारी के केस में जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो दोहरे प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मतलब किसी भी अंग में रक्त भेजने के लिए हृदय से जो है ब्लड जो है दो बार होकर के गुजरता है, ठीक। कुछ चीजें और यहां पे और चर्चा करना चाहेंगे,
एक होता है जो है ईईजी, इलेक्ट्रो इंसीफेलो ईसीजी है, ठीक है। तो ये हृदय से संबंधित होता है ईसीजी। ईसीजी को हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रो, फिर कार्डियो और ग्राम। तो एक उपकरण है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक ऑपरेटस है जिनके माध्यम से जो है हृदय की क्रिया विधि का हम पता लगाते हैं। इसमें सब तरंगे उत्पन्न होती हैं पी क्यू आर एस टी, उतना जगह नहीं, नहीं तो हम पूरा जो है डायग्राम ही बनाते हैं पी क्यू आर एस टी का। तो प्रीवियस जो है जो लेक्चर्स हमने लिया हुआ है उसमें हमने पूरा विद डायग्राम के साथ इसको समझाया हुआ है। तो ई सी जी इलेक्ट्रोकार्डिया जहाँ पे वर्ड आ जाए समझ लीजिए हृदय से संबंधित है। यही अगर ई ई जी आ जाए, ई ई जी इलेक्ट्रो इंसीफेलोग्राम आ जाए तो ये समझ लीजिए किससे है, ब्रेन से संबंधित है। और ये किससे संबंधित है, हार्ट से संबंधित है। तो हृदय की क्रिया विधि का पता किसके माध्यम से, ई सी जी। और ब्रेन की क्रिया विधि का पता किसके माध्यम से, ई ई जी के माध्यम से हम क्या करते हैं, लगाते हैं। एक शब्द इस्तेमाल होता है या प्रयोग होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या क्या है, जब हृदय जो है हृदय से ब्लड निकलता है तो एक बार जब पंप होता है तो जितना ml रक्त निकलता है एक बार पंप होने में, उसी को हम नाम दे देते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और मानव के हृदय एक मिनट में 70 से 72 धड़कन करता है, तो एक धड़कन में जितना रक्त निकला वो कितना है, 70 ml है, 70 ml। और कार्डियक आउटपुट क्या होता है, एक मिनट में जितनी बार पंप किया जाए उसी को हम नाम दे देते हैं क्या, कार्डियक आउटपुट। तो एक बार पंप होने में 70 ml निकला ब्लड, और जो है एक मिनट में 72 बार पंप किया गया तो 70 × 72, तो एक मिनट में जितना पंप हुआ उसी को नाम दे देते हैं क्या, कार्डियक आउटपुट। तो कहने का मतलब यह हुआ कि एक मिनट में पूरा जितना ब्लड जो है शरीर में था हृदय ने उसको कलेक्ट किया, कलेक्ट करके फिर से शरीर के अंगों को पंप कर दिया, उसी को नाम दे देते हैं कार्डियक आउटपुट। और ये कितना होता है, 5040 ml होता है, ठीक है, 5040 ml। इतना एक नॉर्मल जो है व्यक्ति का जो है ब्लड होता है 5 से 6 लीटर, तो एग्जैक्ट जो है यहाँ पे हम लिखे हुए 50-40 ml यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसी को हमने नाम दे दिया कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml और कार्डियक आउटपुट वो क्या है, 5040 ml के ये बराबर होता है। एक नॉर्मल जो हमने हृदय की संरचना के बारे में आपको यहाँ पे समझाया, और उससे जो है रिलेटेड कैसे जो है वर्किंग मैकेनिज्म है, कैसे ये कार्य करता है, कहाँ से इसमें ब्लड आया, किस हिस्से में कैसा रक्त बहा। अगर हम देखें तो हृदय के किस हिस्से में, दाहिने हिस्से में कैसा रक्त बहा है, अशुद्ध रक्त बहा है, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। और जो है हृदय के बाएं भाग में, चाहे वो अलिंद हो चाहे वो निलय हो, इसमें कैसा रक्त बहा है, तो इसमें शुद्ध रक्त बहा है, मतलब ऐसे इसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा वो क्या है, ज़्यादा है। फिर पल्मोनरी वेन में कैसा रक्त बहा है, शुद्ध रक्त बहा है। और पल्मोनरी आर्टरी में कैसा रक्त बहा है, अशुद्ध रक्त बहा है। शरीर के अंग में रक्त पंप जिस नली के माध्यम से होता है वो क्या होता है, आर्टा होती है। और जो है जिस चैम्बर के माध्यम से वो पंप होता है उस चैम्बर का नाम क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। चारों चैम्बर की अगर हम बात करते हैं, इन चारों चैम्बर में सबसे मोटी जो दीवार होती है हृदय के, जिस कोष्ठक की दीवार होती है उस दीवार का नाम क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो यही सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई थिंक इट इज सफिशियंट मैटर फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।